हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिविंग द मोमेंट्स। मैं हूँ प्रियंका। और मैं हूँ संकेत। आज तो वीकेंड है और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है यहाँ पे। यस, और इसीलिए हम निकल रहे हैं अभी कहीं घूमने के लिए। यहाँ आज सनसेट जो है अभी के फिलहाल अभी हो रहा है 6:30 और 7 o'clock तक सनसेट होता है यहाँ रात में, और स्लोली स्लोली वो बढ़ते जाता है 9:30 और 10 o'clock। तो हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर सनसेट होने के बाद ही वो जगह एक्सप्लोर करने में मज़ा है। तो अभी हम वहाँ निकलते हैं और आपको भी दिखाती है कि क्या है वहाँ पर। और जैसे कि आप देख रहे हो पीछे साइकिल है, तो हम साइकिल से जाने वाले। ऑलमोस्ट 6 months के बाद साइकिल निकाल रहे हैं बाहर, क्योंकि ऐसा क्लाइमेट मिलता नहीं है। तो आज सुबह जाके पहले इसको पूरा मरम्मत करवा के लाए हैं, साइकिल का रिपेयर वगैरह करवा के लाए हैं। जस्ट अभी उसका लाइट चला गया, जैसे हमने आपको बताया था हमारे साइकिल वाले वीडियो में कि लाइट इंपॉर्टेंट है साइकिल के लिए, या तो फाइन लग जाता है। इसके लिए लाइट्स ले लिए हैं। अभी हम ये हमारे साइकिल को लगाएंगे और हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये लगाते हैं और चलते हैं आगे। हो गया ये, चलते हैं। और जाते जाते हमको देखा ये पीकॉक, और मैंने इतना पास से फर्स्ट टाइम देखा है। और बहुत देर से शांति से बैठा है वह यहाँ पर, तो उसको उसकी ब्यूटी को हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ से। ओ तो फाइनली पहुंच गए हम वो जगह पर, और क्या है यहाँ पर हम आगे बताएंगे आपको। उससे पहले प्रियंका को पूछते हैं कि इतना टाइम के बाद साइकिल राइड करने के बाद उसको कैसा लगा है। बाप रे, बहुत दिन बाद साइकिल राइड किया, तो थोड़े से पैर दुख रहे हैं, बट मज़ा तो बहुत आया, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 kilometers का राइड था। और क्या चीज़ के लिए हमने वो इतना लंबा राइड किया है वो अभी दिखाते हैं आपको आगे जाने के बाद। ओके, अभी यहाँ पर हमें एक इन्फॉर्मेशन पॉइंट मिला है, जैसे आपको हम न्यूनिन का वीडियो में आपने देखा होगा, बट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के लिए बटन नहीं है, दबा के सुन सकते हैं वैसा, बट पढ़ लेंगे। वाहो, ये भी ग्लो कर रहा है। ये जो प्लेस है वो आइंदोवन से न्यूनिन जाते वक्त ऑन द वे लगता है, न्यूनिन के ये बहुत पास है। और ये फेमस इसके लिए है क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 600 मीटर्स का ग्लो वाला पाथ है, साइकिलिंग पाथ, और इसे बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं। मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ कि ये कैसा है, बिफोर एंड आफ्टर का लुक दिखाऊंगा, क्योंकि सनसेट अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हुआ है, तो थोड़ी देर के बाद ये ग्लो होना स्टार्ट होगा। तो उसके पहले मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ और ये बाद में कैसा दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्लो वाले स्टोन से यहाँ पर एक डिज़ाइन किया गया है, जो कि फेमस डच पेंटर विंसेंट वैन गो है। ओके, बहुत से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो जो फेमस डच पेंटर है विंसेंट वैन गो, उनका एक फेमस पेंटिंग है, उसका नाम है द स्टेरी नाइट्स, जो कि अभी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। तो उसके ऊपर ये स्ट्रीट बनाया गया है, साइकिलिंग पाथ, और ये फेमस इसके लिए है क्योंकि ये ग्लो करता है रात में।
एंड इसके पीछे ऐसा है लॉजिक कि यहाँ पर स्टोन्स लगे गए हैं जो कि ग्लोई स्टोन्स लगे हैं और LED लाइट्स है इसके अंदर। ये जब सनलाइट रहता है उसके ऊपर ये चार्ज हो जाते हैं और चार्ज होने के बाद ऑलमोस्ट 8 आवर्स के लिए ये ग्लो होते हैं। सो टेक्नोलॉजी और आर्ट का बहुत ही खूबसूरत यूज़ किया गया है यहाँ पर, और चलो देखते हैं कि इसका व्यू कैसा रहेगा। अभी हम हमारे साइकिल ले लेते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया 600 मीटर्स का रास्ता है, तो पूरा एक्सप्लोर करेंगे और स्टार्ट होता है वो यहाँ से। बहुत टाइम के बाद साइकिलिंग करके मजा आया एंड लोकेशन भी यूनिक था। और अगर आप भी कहीं यही कहीं नजदीक आइंदोवन में रहते हो तो आप जरूर विजिट करिएगा वो लोकेशन पे, ये मैं रेकमेंड करूंगा। और लोकेशन के डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।